झारखंड में जब लोकसभा चुनाव का वक्त था तब बीजेपी ने अपने कई प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर दी थी। बीजेपी इस बार भी इसी रणनीति पर अमल करने की बात कह रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बीजेपी लगभग 25 से 30 संभावित प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है और एक तरह से वो अधिकृत प्रत्याशी हो जाएंगे, तो उसे लेकर रघुवर दास से मुलाकात की है जो ओडिशा के राज्यपाल हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा ने रघुवर दास से मुलाकात की है, ओडिशा के सीएम भी इस वक्त वहां मौजूद थे और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अहम इस मायने में भी माना जा रहा है कि रघुवर दास इससे पहले लंबे अरसे तक बीजेपी के रणनीतिकार रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी दो-दो बार रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और संगठन पर उनकी अच्छी पकड़ है और साथ ही जो उनकी पुरानी परंपरागत सीट रही है उस पर सरयू राय दावा कर रहे हैं, उस लिहाज से भी इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राकेश रंजन जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, इस मुलाकात को कितनी अहम मानते हैं आप? देखिए, ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन कुछ और कहूँ उससे पहले ये साफ कर देता हूँ कि जो हेमंता बिश्वा शर्मा ने चीज़ें बताई हैं वो उन्होंने यही कहा है कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी और वहाँ पर जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी उनके साथ थे। और ये बात भी है कि चूंकि राजनीति समय है, चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में सिर्फ औपचारिक बातचीत हुई होगी कहना मुश्किल है। वैसे बातचीत क्या हुई वो तो वही लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन कयास तो लगाए ही जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मीडिया सोर्सेज के थ्रू जो जानकारी सामने आ रही है उसमें आ रही है कि रघुवर दास क्या झारखंड की राजनीति में वापसी कर सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हमने देखा था कि जब तमिलनाडु में चुनाव हुआ था तो जो तेलंगाना की राज्यपाल थी उन्होंने जो है तमिलनाडु में जाकर फिर चुनाव भी लड़ा था राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद। ऐसा पूर्व में कई बार हुआ है और चूंकि रघुवर दास एक्टिव पॉलिटिक्स में थे राज्यपाल बनने के पूर्व, इससे पहले टर्म में आप जाएं तो वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। वैसे ये जो है सिर्फ कयास है, ये कयास लगाया जा रहा है। और देखिए, अगर अभी उम्मीदवार घोषित होने हैं या आप जमशेदपुर में पूर्वी सीट की बात कर लीजिए, राज्य की बात कर लीजिए, तो चूंकि रघुवर दास बड़े नेता रहे हैं तो अगर उस विषय में कोई बातचीत हुई हो तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है और कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो राज्यपाल के पद पर अभी आसीन हैं, तो वो एक पद ऐसा होता है जो गैर राजनीतिक होता है, तो इसलिए इस पर जो है कयासबाजियां ही बिल्कुल की जा रही हैं। जिस तरह से उनकी सक्रियता बढ़ गई है, वो झारखंड लगातार आ रहे हैं, पिछली बार एक हफ्ते रह कर गए हैं और अंदर से जो खबरें आती हैं अब पता नहीं कितनी उसमें सच्चाई है, कहा यह जा रहा है कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने परिवार से किसी को अपनी सीट पर लड़ाना चाहते हैं। और देखिए, अगर सरयू राय दावा ठोक रहे हैं, सरयू राय ने उन्हें हरा दिया था, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि सरयू राय से हार को रघुवर दास अभी तक भुला नहीं पाए हैं और उनके अंदर अभी भी यह जज्बा काम कर रहा है कि वो एक बार फिर उस सीट को अपने कब्जे में लेकर सरयू राय को हरा के दिखाएं। देखिए, एक जो बात होती है वो बात ये है कि अब सरयू राय को हराना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर जेडीयू एनडीए के गठबंधन में आ जाएगा तो वैसी परिस्थिति में अगर जमशेदपुर पूर्वी की सीट जेडीयू को दे दी जाती है तब बीजेपी वहां से कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकेगा। और एक जो और परिस्थिति बनती है कि अगर सरयू राय से बातचीत करके उन्हें किसी अन्य सीट पर जो है वो शिफ्ट किया जाता है, तब वैसी परिस्थिति में रघुवर दास के परिवार से या खुद रघुवर दास चाहें तो जमशेदपुर पूर्वी से लड़ सकते हैं, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी रघुवर दास और सरयू राय का आमना सामना नहीं होगा। तो चूंकि अब जेडीयू में जा चुके हैं सरयू राय, तो जो एक संभावित मुकाबले की जो कयासबाजियां होती थी वो फिलवक्त मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में यह मुलाकात सलाह लेने को लेकर थी, क्या प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने से पहले रघुवर दास का मंतव्य भी लिया जा रहा है या फिर उन्हें चुनाव मैदान में उतारने की कवायद चल रही है, इसके लिए लगता है हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी, एक औपचारिक मुलाकात थी। बिल्कुल, या सिर्फ ये एक औपचारिक मुलाकात है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कूप। नमस्कार।